स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 11 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। देखो, क्लास आपका 11 एजी है और सब्जेक्ट आपका है एग्रोनॉमी। जो हमारा चैप्टर है वो 9 है और मक्का की खेती। तो इस वीडियो में हम मक्का की खेती और एक खेती और पढ़ेंगे। टोटल हम दो खेती को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, एक बात आपको और बता दें, देखिए मेरे चैनल पर आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, देखो आपको एग्रोनॉमी तो मैं करा ही रहा हूं, एग्रोनॉमी आपको मिलेगी, फिजिक्स आपको मिलेगी, फिजिक्स के बाद मैथ मिलेगा और बॉटनी मिलेगी, फिजिक्स मैथ बॉटनी और आपका एक बचा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग तो पाँच के पाँचों सब्जेक्ट आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आपको टाइप करना है वाईपी एजुकेशन ट्रिक, ठीक है, इतना टाइप करना है यूट्यूब पे जाकर वाईपी एजुकेशन ट्रिक, वहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, खोलना चैनल को। प्लेलिस्ट मैंने हर सब्जेक्ट की बना दी है, एक एक प्लेलिस्ट को पे जाकर आप एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर हर टॉपिक को क्लियर करिए, ठीक है। हर टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लोगे तो विश्वास करो मेरा, आपकी 80 से 90% इतने 80 से 90% मार्क्स के बीच में आपके आएंगे, गारंटी है इस बात की। तो आप एक एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर पुरानी वीडियो है या न्यू वीडियो है, देखिए आपका जो सिलेबस है सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आपकी पुरानी वीडियो में भी वही टॉपिक है और न्यू सिलेबस में भी वही टॉपिक है, तो सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए। चलो अब बिना किसी देरी के अब हम करते हैं मक्का की खेती को स्टार्ट। देखो मक्का की खेती, ठीक है, तो मक्का है, मक्का का जो वनस्पति नाम है वो है जियामेज। वनस्पति नाम क्या है? जियामेज है। और इसकी अगर हम कुल की बात करें यानी फैमिली की बात करें तो ये फैमिली है पोएसी। आपसे अगर पेपर में पूछे आप ये बताओ मक्का है, मक्का किस कुल में आता है या किस फैमिली में आता है, तो आपका पोएसी हो जाएगा। आपसे पूछेगा मक्का का बॉटनिकल नेम बताइए, सॉरी हाँ बॉटनिकल नेम बताइए, जियामेज हो जाएगा बॉटनिकल नेम, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल तथा उत्पादन केंद्र, थोड़ा सा इस पर नज़र मार लो आप। देखो क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र में क्या है, देखो विश्व में यूएसए ब्राज़ील, यूएसए आपका हो गया ब्राज़ील, यूएसए ब्राज़ील, इटली, भारत और दक्षिण अफ्रीका मक्का की खेती करने वाले प्रमुख राष्ट्र हैं, ठीक है। अगर हम देश में मक्का की खेती प्रायः सभी राज्यों में होती है, अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो मक्का की खेती है वो लगभग सभी राज्यों में होती है। कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है तो समझो, देखो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं ये तीन राज्य, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। आगे समझो, देखो भारत में मक्का 6.6 मिलियन हेक्टेयर पर उगाई जाती है तथा 12 मिलियन टन मक्का का उत्पादन होता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती अधिक क्षेत्रफल में होती है लेकिन उपज प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। किसकी दृष्टि से? उपज की दृष्टि से, ठीक है। अगला देखो, अगला है हमारे प्रदेश में फैजाबाद मंडल है। क्या है? फैजाबाद मंडल में सर्वाधिक मात्रा में मक्का की खेती होती है। इसके बाद क्रमशः मेरठ है, देखो आगरा है और लखनऊ है। इन मंडलों में भी मक्का की खेती की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से फैजाबाद जो मंडल है उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। अगर आप फैजाबाद मंडल की बात करोगे तो ये उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। इसके बाद है बहराइच है, बुलंदशहर है, गोंडा है और फरुखाबाद है, जौनपुर अधिक मक्का उगाने वाले जनपद हैं। नेक्स्ट है देखो मक्का ग्रीष्मकालीन फसल है। नोट करके आपको समझाया है कि जो मक्का है वो ग्रीष्मकालीन फसल है। कैसी है? ग्रीष्मकालीन फसल है। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी मक्का की खेती। जब मक्का की खेती तैयार हो जाएगी तो हमारा वही हेडिंग आएगी कि भाई खेत की तैयारी कैसे करोगे, तो कैसे आप खेत को तैयार करोगे मक्का बोने के लिए या मक्का की खेती करने के लिए। तो समझो देखो वही एक प्रक्रिया है, खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 12 से 15 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 हैरो से जुताइयां करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लिया जाता है, यानी
आप सीधे सीधे खेत की जुताई करनी है, हैरो से कर लो आप जुताई, 3 से 4 जुताइयाँ कर लो, ठीक है। उसके बाद उसको पाटा लगाकर खेत को समतल कर लो, मिट्टी अब मिट्टी पर भुरभुरी भी हो जाएगी और खेत भी समतल हो जाएगा। जब आप जाहिर सी बात है देखो खेत की तैयारी कर लोगे तो आपको उसकी प्रजातियाँ यानी अन्य जातियाँ पता होनी चाहिए। तो मक्का की कौन कौन सी जातियाँ हैं ये भी आपको पता करना होगा। तो देखो देसी है और संकर है और संकुल है, 3 प्रकार की जातियाँ हैं। कौन कौन सी? देसी है, संकर है और संकुल है। तो देसी देखो कौन सी है, देसी है आपका मेरठ पीली है, जौनपुरी सफ़ेद है, ठीक है। और एक आपकी ये है टाउन 41। देखो संकर शक्तिमान 1.2 JS 1121 गंगा सफ़ेद 2 है, गंगा 5 है, गंगा 7 है, गंगा 11 है और आपका आशा है, संगम है, BL 54 है, 54, 42, 88 आदि, ये संकर हैं, ठीक है। इसके बाद संकुल जातियां समझो, तो संकुल जातियां हैं नवज्योति है, श्वेता है, नवीन है, आज़ाद उत्तम है, त्रोणा है, कंचन है, सूर्या है और सूर्या D765 मंजरी, ये जो हैं ये संकुल जातियां हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है देखो आपने की दो हेडिंग कंप्लीट हो गई, एक तो आपने खेत की तैयारी कर ली और दूसरी आपने मक्का की जो उन्नत जातियां हैं वो आपने पता कर ली। उन्नत जातियों में देसी जातियां भी पता लगा ली, संकर जातियां भी पता लगा ली और संकुल जातियां भी आपने पता कर ली। अब आएगा खेत एवं खाद एवं उर्वरक। जब आपने प्रजातियां पता कर ली तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया खाद और उर्वरक कितना चाहिए। तो देखो संकर मक्का की बात हो रही है पहले, इसके बाद होगी संकुल मक्का, इसके बाद होगी देसी मक्का, ठीक है। तो संकर मक्का में देखो 120/7 का रेशियो है NPK किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, ठीक है। संकुल मक्का की बात करें तो ये 80/40/40 का रेशियो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब देसी अगर मक्का की बात करें तो 60/33 का रेशियो है NPK किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। NPK की फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ। बुवाई के समय देखो 1/2 नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटास की पूर्ण मात्रा लगाएं, ठीक है। बाद में 1/4 नाइट्रोजन बुवाई के 25 से 30 दिन बाद लगाएं। तो ये हो गई खाद एवं उर्वरक की बात। अब खाद एवं उर्वरक की बात के बाद देखो क्या आएगा, थोड़ा सा और बचा देखो, शेष नाइट्रोजन 1/4 नर मंजरी निकालते समय बुवाई के 56 से 60 दिन बाद बोना चाहिए। जब आपने भाई खाद एवं उर्वरक पता कर लिया तो अब आपको पता करना होगा बीज दर कितना, क्या पता करना है, बीज दर कितना लगेगा वो पता करना है। तो देखो संकर मक्का, देसी व संकुल मक्का और चारे के लिए बीज की मात्रा, तीनों के लिए अलग अलग है। तो संकर मक्का की अगर हम बात करें तो ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, कितना है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम देसी व संकुल मक्का की बात करें तो ये 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर हम चारे के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो ये 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। अब ये तो हो गई बीज दर, बीज दर के बाद देखो यहाँ पे ये है अंतरण, क्या है अंतरण। तो अंतरण के बारे में समझो, देखो संकर व संकुल जाति है ये 60x25 सेंटीमीटर और देसी है 45x20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बोने का समय, अच्छा इसके बारे में समझो आप, बोने का समय, तो बोने का समय भी हमें पता होना चाहिए। पिछली बार जो 2024 में एग्जाम हुआ है, 2024 के एग्जाम में मक्का की खेती ही आपसे पूछी गई है, ठीक है। मक्का की खेती 2024 में आ चुकी है, ये 2025 के लिए मैं एग्रोनॉमी के जो टॉप आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ 2025 के लिए, मैं एग्जाम से 15-20 दिन पहले प्रोवाइड कराता हूँ, लगभग पेपर उसमें से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी आपको वेट करना होगा, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, लास्ट में आपको वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखो बोने का समय जून का प्रथम पक्ष, देसी जातियों की बुवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य संपन्न कर लेनी चाहिए। भुंटे यानी भुट्टे कोई भुंटा व चारे के लिए बुवाई फरवरी के प्रथम पक्ष में करें। मक्का की बुवाई रबी मौसम में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करते हैं। तो ये तो था बोने का समय, ठीक है। और हाँ एक बात और बता दूँ, अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर के, तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप
नंबर से संपर्क कर सकते हैं या उस पर कॉन्टैक्ट भी डायरेक्ट कॉल भी लगा सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो अब समझो आप सिंचाई व जल निकास, भाई जब बोने का समय पता चल गया तो सिंचाई एवं जल निकास, तो सिंचाई एवं जल निकास क्या है? देखो मक्का की फसल अत्यधिक पानी एवं सूखा दोनों के प्रति संवेदनशील है। भाई मक्का की जो फसल है वो अत्यधिक पानी वाली, अत्यधिक पानी होगा तो भी नहीं होगी और सूखा होगा तो भी नहीं होगी। जून में बोने पर वर्षा होने तक 2 से 3 सिंचाइयाँ की आवश्यकता पड़ती है। जायद मक्का को 8 से 10 सिंचाइयाँ देनी पड़ती हैं। खेत में जल निकास का भी प्रबंध होना चाहिए। देखो जो खेत है आपका जिसमें मक्का को बो रहे हो उसमें जल को निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल आपका ज़मीन जो है वो निचले स्तर का है उसमें पानी भर जाए और खेत से बाहर ना निकले तो आपकी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण को कैसे कंट्रोल करोगे, खरपतवार को कैसे कंट्रोल करोगे आप? समझो मक्का की फसल में निराई गुड़ाई का बहुत महत्व है। खेत को सदैव खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई खुरपी से करते हैं। खरपतवार से निपटने के लिए भाई मक्का में क्या करोगे, 2 से 3 जो निराई गुड़ाई हैं वो खुरपी की सहायता से आप कर दोगे। गुड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर अधिक गहरी ना करें। सिमाजिन या एड्रिजन 1 से 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के साथ दूसरे या तीसरे दिन अंकुरण से पूर्व प्रयोग करने से भी खरपतवार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला देखो है खरपतवार जब आपने कंट्रोल कर लिया तो है पादप सुरक्षा यानी पौधे की सुरक्षा। चलो देखो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। पादप सुरक्षा क्या है? मक्का की फसल मुख्य रूप से टिड्डा, तनाछेदक, पत्ती लपेटक, कमला कीट से हानि होती है। कीटों के नियंत्रण के लिए साइफरमेथ्रिन या एंडोसल्फान 35 cc 105 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पत्तियों का झुलसा रोग तथा तुलसिता रोग के नियंत्रण के लिए डाइएथेन M45 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। चिड़ियों से रखवाली करें, और जो चिड़ियां हैं भाई चिड़ियों से आपको मक्का की खेती को क्या है, रखवाली करनी है वरना चिड़ियां सब खा जाएंगी। कटाई और उपज, तो कटाई और उपज आपकी लास्ट हेडिंग है, इसके बारे में आप समझो। देखो जो देसी जातियां हैं, देसी जाति की अलग है, संकुल की अलग है, संकर किस्म की उपज अलग है, सबकी अलग अलग है समझो। तो देसी जातियां हैं 75 से 80 दिन, ठीक है, और संकर के लिए है 100 से 105 दिन और संकुल के लिए है 85 से 85 दिन में पकती है। तो तीनों का पकने का समय अलग अलग है। देसी जाति की है तो 75 से 80 दिन लगेंगे, संकर है तो 100 से 105 दिन लगेंगे, संकुल है तो 85 से 85 दिन लगेंगे। अब देखो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संकर किस्म की उपज। उपज कितनी होगी, तो उपज होगी भाई 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कौन सी? संकर किस्म की उपज। अब है संकुल, तो संकुल किस्म की जो उपज है वो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और देसी जो है वो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो देखो ये थी मक्का की खेती, मक्का की खेती हमने कंप्लीट कर ली। अब जो अगला हमारा टॉपिक आएगा ये है चना की खेती। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बने रहना, सारे के सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आप बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये एजी का ही चैनल समझ लो आप, स्पेशल आपके लिए है। तो ये आपका अपना चैनल है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। चना की खेती, ठीक, अगर हम चना का वनस्पति अगर नाम की बात करें तो इसका है सीसर एराइटिनम। क्या है? सीसर एराइटिनम। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो फेबेसी या फिर कह सकते हो लेगुमिनेसी, दोनों फैमिली है, ठीक है, फेबेसी या लेगुमिनेसी दोनों में से कोई सा भी आ जाए दोनों सही हैं आपका। अब देखो इसका है क्षेत्रफल व उत्पादन केंद्र। तो क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, चने के खेती के बारे में। तो देखो भारत में 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विश्व का 67% चना पैदा होता है।
अकेले भारत की बात हो रही है, भारत में 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विश्व का 67% चना पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में भारत में अन्य सब राज्यों की अपेक्षा अधिक चने की खेती होती है। अगर हम भारत के अंदर अपना यूपी की बात करें, अपना उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा चना की खेती होती है उत्तर प्रदेश में। यह राज्य समस्त भारत में चने की उपज का क्षेत्रफल में 26% का भागीदार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्र में चना उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। तो ये आपने देख लिया। अब देखो स्पेशल उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में चना उत्पादन में उपयुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो चने के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, सबसे पहले झांसी है, झांसी का पहला स्थान है उत्तर प्रदेश में। क्या है? झांसी का क्या है? पहला स्थान है, ठीक है? इसके बाद इलाहाबाद यानी प्रयागराज, रुहेलखंड, आगरा मंडल का नंबर आता है। हमारे प्रदेश में बांदा जिले में चने की खेती सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यानी जो बांदा जिला है, बांदा जिला में चने की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद देखो हमीरपुर है, जालौन है, झांसी का नंबर आता है। अधिक क्षेत्रफल में चना उगने वाले अन्य जिले क्रमशः कौन है? प्रयागराज है यानी इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, फतेहगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर और सीतापुर, हरदोई है, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश की चना की उत्पादन में कंडीशन थी, स्थिति थी। अब देखो सबसे पहले वही काम आएगा, खेत की तैयारी करोगे। भैया खेत की तैयारी कर लेंगे, चना की खेती करनी है तो सबसे जाहिर सी बात है हमें खेती करनी है, खेत को तैयार करना है। तो भाई खेत को तैयार करना है, 2 से 3 बार खेत की जुताई करने से खेत तैयार हो जाता है, ठीक है? खेत जब 2 से 3 या 3 से 4 जुताइयाँ कर दो, जुताइयाँ करने के बाद आपको उसमें पाटा लगा दो, समतल हो जाएगा। समतल होने के बाद मिट्टी भी उसकी भुरभुरी हो जाती है और खेत भी समतल हो जाएगा। अब जब खेत तैयार कर लेते हैं तो उन्नत जातियों का पता कराना है। तो उन्नत जातियाँ देखो कौन कौन सी हैं। एक सूर्या है, सद्भावना है, उकटा अवरोधी है, राधे है, और K486, 850, बल्लभ पंत कल्चर चना 5C 235, पंत G 114, ठीक है? अब ये देखो काबुली चना है, कौन सा? काबुली चना की जातियां हैं CARD 2, K4, K5, प्रगति और L 550। ये थी उन्नत प्रजातियां हो गई। अब उन्नत जातियां हो गई, इसके बाद है खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक के बारे में समझो आप। देखो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है और 45 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से। अब हम बात करेंगे बीज की मात्रा। तो बीज की मात्रा समझो, बीज की मात्रा है 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। बड़े दाने वाली जाति K850 तथा काबुली चना है वो 100 से 125 किलोग्राम किलोग्राम। अब देखो बीज उपचार, तो बीज उपचार कैसे करोगे? तो बीजों को बोने से पहले, ठीक है, बोने से पहले बीज को 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बोबेस्टिन बोबेस्टिन या सेरेसॉन से शोधित करेंगे। जब शोध हो जाएगा, बीज उपचार हो जाएगा, फिर आपको ये पता करना है बोने का समय। तो बोने का जो समय है वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। कितना है? 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, ठीक है? आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर की बेहतरीन तैयारी बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर ही मिलेगी। स्पेशल ये एग्रीकल्चर का ही चैनल है। देखो बुवाई का ढंग कैसा होगा? बुवाई हल के पीछे कूड़ में 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर, सिंचित दशा में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर, असिंचित दशा में, ठीक है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब है निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण। तो किस प्रकार से भैया चना की खेती में क्या करोगे आप? निराई गुड़ाई और खरपतवार को कैसे कंट्रोल करोगे? तो समझो, देखो बुवाई के 25-30 दिन बाद एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। बैसालिन 1 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में मिलाकर आखिरी जुताई के समय भूमि में मिलाने से क्या होगा? खरपतवार नष्ट हो जाएगा, खरपतवार नहीं होगेगा। जब खरपतवार नहीं होगेगा तो जाहिर सी बात है निराई गुड़ाई करने की आपको कम आवश्यकता पड़ेगी। अगली हेडिंग है सिंचाई। जब निराई गुड़ाई कर दोगे तो आपको सिंचाई करना पड़ेगा। तो सिंचाई कैसे करोगे समझो। देखो जाड़ों में महावट हो जाने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। फूल आने के पूर्व सिंचाई आवश्यक है, बाद की सिंचाई फली लगने पर कर सकते हैं।
जब फली लग जाए, चना पे आ जाए, तब आप कर सकते हो। अगला है रोग। तो रोग कौन कौन सा लगता है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे, ये भी तो पता करना होगा। तो देखो, रोग है उकटा है, अंगमारी है, झुलसा है। तो ये कौन कौन से रोग हैं, उकटा, अंगमारी और झुलसा से क्या होती है, हानि होती है। उकटा के लिए उकटा रोधी जाति बोए खेत में। उकटा लगने पर स्यूडोमोनास और फ्लोरेंसिस की 3 ग्राम तथा कार्बांडेजियम की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। झुलसा के लिए एंडोफिल M45 का 0.25% घोल का क्या करें, आप छिड़काव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे है कीट नियंत्रण। तो भैया कीट से छुटकारा कैसे पाओगे, कीट अगर लग गया तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे आप। तो उसको नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना है समझो। देखो, चने का कटुआ, चना फली भेदक के नियंत्रण, देखो दो कीट हैं ये, चने का कटुआ है और चना फली भेदक है, के नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान आता है 35 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हो। उपज की बात करें, देखो उन्नत किस्मों के लिए जो है वो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और काबुली चना है वो 12 से 15 किलो कुंटल प्रति हेक्टेयर है, ये उसकी उपज है। ठीक है, अब देखो एक एक नंबर वाले जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, तो वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा राधे किस फसल की प्रजाति है, तो राधे आपको पता है चना की है। ठीक है, राधे किसकी है, चना की है। अगला है चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा, तो जो चने की दाल होती है इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है। चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा है वो 21% होगी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में चना की सर्वाधिक खेती होती है, तो जो हमीरपुर है ना, हमीरपुर में सबसे ज़्यादा चना की खेती होती है। चने का गेरुए रोग किसके द्वारा होता है, तो ये फफूंदी नाशक रोग है। क्या है, फफूंदी नाशक रोग है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सर्वाधिक खेती होती है, तो ये होती है झांसी मंडल में। इसका आंसर क्या है, झांसी मंडल। तो इस प्रकार से देखो हमने चना की खेती को भी कंप्लीट करा इस वीडियो में, और चना की खेती के साथ साथ जो हमारी पहली वाली खेती थी मक्का, उसको भी कंप्लीट हमने कर लिया। तो मक्का और चना की खेती को इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट खेती को लेके आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए और ख़ुद भी आप लाइक करिए। आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख के छोड़ देते हो और कंप्लीट आप नहीं पढ़ते। इससे जो क्या होगा, देखिए आपका मनोबल घटेगा। जब आपका मनोबल घटेगा ना, तो अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे और आपकी परसेंटेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप मेहनत करिए और हार्ड वर्क करिए आप। ठीक है, तो आपकी आराम से 80 से 90% मार्क्स बन जाएंगे, कोई भी आपको समस्या आगे भी नहीं होगी। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।